वी लव यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड अभी हमें वो कबूतर के बच्चे को रेस्ट रिलीज करने जाना है, बाकी उसके बाद फैक्ट्री में थोड़ा काम है। सैटरडे होता है ना, तो फुटवेयर में सबका हिसाब किताब होता है। तीसरा काम है, शायद हमें गुजरात समाज जाना पड़े। और चौथा काम है क्रिकेट। लेकिन उन सबसे पहले जो काम है वो है हमें ब्लॉग अपलोड करना है आज का, क्योंकि ब्लॉग टाइम से नहीं आएगा तो फिर पब्लिक नाराज़ हो जाएगी। ब्लॉग ज़रूरी है। ये फैशन इन्फ्लुएंसर तो भैया इस बॉक्स में है, वो इस कपड़े के नीचे। तो अभी यहाँ मिट्टी थोड़ी खोदी है, इसमें ही डाल देते। हो महफिल में तेरी हम ना रहे, जो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है। किससे हमारे नजदीकियों के कम तो नहीं, कम तो नहीं है। इतनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का, जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। We love you। भी अभी यहाँ पे वो कौवे को हमने रेस्ट इन पीस किया, वहाँ से एक रुपया मिला है। जहाँ वो कबूतर को हमने दफनाया ना, तो वहाँ से ये एक रुपया मिला है। पूरी मेहनत लगा देंगे इस एक रुपये को लाखों करोड़ों बनाने में, ठीक है। बाकी वो एक याद ही देके गया है, एक मेमोरी, उसको संभाल के रखेंगे। शनिवार को पूरे मादीपुर गांव में पैसा 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 हो रहा होता है चारों तरफ। अरे सेठ जी हिसाब कर दो, सेठ जी के पास भी तो होना चाहिए हिसाब करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से आफ्टरनून में नाइन नाइन हुई है, काम सारे हो चुके हैं फैक्ट्री का। उस बेबी बर्ड को हमने रेस्ट इन पीस किया, और एक और क्या काम था हमारा, हाँ ब्लॉग भी अपलोड हो चुका था। तो अब शायद गुजरात समाज जाना, शायद अभी भी कन्फर्म नहीं है, लंच के बाद पता चलेगा। और बच्चे चिल्ला रहे हैं, स्कूटी आ रही है, आंदो आंदो आओ आओ, मेला लगाओ यहाँ पे मेला। क्या बन रहा है ये? आलू गोभी इन द मेकिंग। दाल शनिवार वाली दाल, यस नो यस। सो गाइस, भोजन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, और आलू गोभी खाया आज हमने, एंड फ्राई वाला आलू गोभी। एंड आलू गोभी इज टर्निंग वन ऑफ द बेस्ट एंड माय फेवरेट फूड इन नॉर्थ इंडियन कुजीन, ओके, आफ्टर पनीर। पनीर अभी भी नंबर वन पे ही है, आलू गोभी नंबर टू। सो गाइस, एक जरूरी सूचना है आप सभी के लिए। सर्वप्रथम तो ये कि कुछ दिनों पहले हमने आपसे बात करी थी कि शार्क टैंक पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ 10 लोग चाहिए मुझे, जो मतलब शार्क टैंक देखते थे, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप या इन सब से कुछ नाता हो जिनका, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को टेक्स्ट किया, काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पे सामने से बोला कि हमने शार्क टैंक देखा है, हम इंटरेस्टेड है इस पॉडकास्ट वाली अपॉर्चुनिटी में। तो प्रक्रिया जारी है, अगर आप में से किसी ने शार्क टैंक देखा हो और पॉडकास्ट रिलेटेड इंटरव्यू में आना चाहते हैं, वर्चुअल इंटरव्यू होगा, मुंह दिखाना पड़ेगा आपको और बोलना भी आना चाहिए, कैमरा फेस करना आना चाहिए, ठीक है, तो ही अप्लाई करना। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पॉडकास्ट अपॉर्चुनिटी, तो हम बात आगे बढ़ाएंगे जिस तरह रिश्ते आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच। और गुजरात समाज जाना कैंसिल हो गया है, तो हम हेल्थ पे ध्यान देते हुए थोड़ी सी रनिंग कर लेते हैं, और अगर आज क्रिकेट खेल रहे होंगे तो क्रिकेट भी खेल लेंगे, क्योंकि हो गया मालाराम में शादी है ना, तो टेंट वेंट लगा हुआ है, तो क्रिकेट तो पॉसिबल है नहीं आज, देखते हैं थोड़ी सी रनिंग वनिंग कर लेते हैं।
हेल्दी इज वेल्दी। सेम टी शर्ट, बूम बूम भाई। देखो भैया, सब सेम टी शर्ट पहन के घूमते मादीपुर वाले, लेकिन इसने दल बदल लिया, अगली दूसरी टीम बना ली है। कोई बात नहीं होता, खेल खेल भावना बनी रहनी चाहिए, बाकी सब भाई भाई, खेल के बाद सब हम इसी समाज के हैं सब। वाइड यार, क्या यार, दीपो हमारे साथ खेल गए, बढ़िया ये हमारी टीम जाती हुई भैया, तीन तीन से बराबरी। ये सबसे ज्यादा फील्डिंग करी इस बंदे ने। दिवेद, ओ दिवेद, दिवेद वाह भाई, देख ले इधर। हाँ शाबाश, व्हाट्सअप बड़ी, सब बढ़िया। हाँ हाँ, अब आए वाह, जो बाय वाह, दर्शी आई भी बाय वाह, बधे आई वाह, बाय जो आज दिवित। आई एम हॉट, यू आर हॉट, जोमेटो, अच्छी टैगलाइन है इनके। ये चिकन जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं। अब ये चिकन, ये चिकन होता ना, तेरे बाबा तेरा चिकन निकाल देते। चाप ही है, चिकन ही है। नारायण भाई सुन रहे हो ना, ये भैया करण रोल खा रहा है, मैं नहीं खा रहा आज भाई। तुम सब लोगों ने बोला ना टूर्नामेंट आ रहा है, थोड़ा हेल्दी फूड खा लो, खा ही नहीं रहा, बाहर का खाना ही नहीं खा रहा भाई, सब बंद है। टूर्नामेंट तक कुछ नहीं बाहर का, थोड़ा थोड़ा खाऊंगा लेकिन ब्लॉग नहीं बनाऊंगा भाई। हाफ कट करके दे दियो। आई एम ऑन अनऑफिशियल स्ट्रीट फूड चैलेंज। तू क्यों खा रहा साले, तू भी तो जिम जाता है। इसको डाइट सोयाबीन, सोयाबीन डाइट, और ऊपर जो तेल मक्खन जब है। सो गाइज, अ वेरी नॉर्मल डे कम्स टू एन एंड। और आज ज़्यादा कुछ, मतलब कुछ नया नहीं हो रहा है ब्लॉग में, जिस वजह से मैं भी थोड़ा सा अपसेट हो जाता हूँ जब मैं रात को एडिट करने बैठता हूँ कि यार वही मेरी लाइफ और फिर वही लोग देखने आएंगे। बट लोग देखने आते हैं और देखते हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। जो भी देखते हैं, जिसको पसंद है वो देखते हैं, जिसको नहीं पसंद, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं हुई है। सुबह जब वो बेबी बर्ड का अंतिम संस्कार हुआ तो मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था, बट उस बर्ड ने कुछ रिटर्न में दिया है मुझे 1 रुपए का सिक्का, तो हमने संभाल के रखा है और फॉर श्योर उससे कुछ बड़ा बनाएंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं उसको बचा नहीं पाया और उस बात का दुख हमेशा रहेगा, बट इन रिटर्न मैं उसकी याद में कुछ करना चाहता हूँ जो कल के ब्लॉग में आपको दिख जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, 2-3 दिन से बाल कटवाने का सोच रहा हूँ लेकिन नहीं कटवा पा रहा हूँ। मैं सैलून जाता हूँ, थोड़ी सी भीड़ होती है ना, मैं मन तोड़ देता हूँ कि नहीं नहीं, अब टूर्नामेंट आ रहा है, टूर्नामेंट में करवाएंगे। और टूर्नामेंट से आया, आज मीटिंग थी टूर्नामेंट की बट पोस्टपोन हो गई, अब वो मंडे को है। टूर्नामेंट है नेक्स्ट सैटरडे संडे को, तो तब तक के लिए नो जंक फूड। आज भी हमने कुछ नहीं खाया है, मतलब अब थोड़ा सा बॉडी स्टेमिना पे ध्यान देते हैं 1 हफ्ते के लिए, ताकि वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन कर सके। और बाल भी इसलिए नहीं कटवा रहा क्योंकि देखो, सिनेमैटिक वीडियो बनानी है टूर्नामेंट की, वो मैं लीक कर देता हूँ। और मेरा मन ये है कि थोड़ा सा अच्छा लुक आए उस वीडियो में, नई टी शर्ट्स होगी, सबके नाम लिखे होंगे पीछे, तो एक वाइब आनी चाहिए ना, एक ऐसा मतलब सिनेमैटिक वाइब आनी चाहिए। उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन पहले बाल कटवाऊंगा ना तो अच्छे लगेंगे, वो कट वट सब दिखेगा। सो दैट्स इट, और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करो भैया ब्लॉग देखने के बाद, कॉमेंट भी कर दिया करो अगर समय हो, 2 सेकेंड लगते हैं बस, 2 सेकेंड आप स्क्रॉल करोगे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, उतने में मेरा कमेंट हो जाएगा, नाइस गुड हैप्पी टू सी योर ब्लॉग, ऐसा लिख दिया करो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टाटा बाय बाय।